सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर लर्निंग वीडियो। आई होप आज आपकी लर्निंग बहुत अच्छी खासी रही होगी। अगर आपने कल के लेवल्स यानी देखे होंगे यहाँ पे मार्केट के अंदर के जो हमने डिस्कस किए हुए थे पिछले वीडियो के अंदर कि आज कैसा परफॉर्मेंस कर सकता है मार्केट, सेम टू सेम देखिए उसी लेवल्स के आसपास ही उन्हीं लेवल्स को यहाँ पे मार्केट ने मूवमेंट उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हुआ देखने को मिला है। देखिए हमने क्या डिस्कस किया हुआ था कि मार्केट इस लेवल पे देखिए यहाँ पर रिजेक्शन दे रहा है और इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। यहाँ से मार्केट एक क्लोज जा चुका है एक कॉल साइड के लिए। अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तो हमें एक पुट साइड के लिए वेट करना पड़ेगा इस लेवल को। अगर ये ब्रेक करता है तो इसलिए हम जाएंगे अपने तीनों लेवल्स के लिए। तो ये हमने बोला था, एक चीज़ हमने और बोली थी कि ये फ्यूचर्स के लेवल्स होंगे। यहाँ पे हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे के लिए आपको दो लेवल्स हो सकता है मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए अगर मूवमेंट अच्छा खासा होगा तो। और अगर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट होगा तो हो सकता है कि मार्केट एक दिन में तीनों लेवल्स भी अचीव कर दे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो। देखिए क्या देखने को मिला, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली इसी लेवल के आसपास। अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड के लिए मार्केट ने रिकवरी करा। हमने हर बात डिस्कस किया हुआ था कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा तो उससे पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर वेट करेंगे कि एक कैंडल क्लोज करे। देखिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, हमने हर बार डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नहीं मिली जो यहाँ पर ट्रैप हुआ पुट साइड के लिए, अच्छा खासा मार्केट के अंदर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट रिकवरी करी और यहाँ पे देखिए मार्केट जब ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है तो फर्स्ट लेवल अचीव हुआ। यहाँ पे अचीव होने का मतलब यही था कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद देखिए सस्टेन किया है 5 मिनट की कैंडल के आसपास। यहाँ पे अगर बात करूँ 5 मिनट 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन की होगी वो कैंडल यहाँ पे, उसके बाद ही मार्केट के अंदर फर्स्ट लेवल अचीव हुआ है। और देखिए अचीव होने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कितना ज़्यादा रहा, क्या सेलिंग प्रेशर था कि यहाँ से मार्केट जितनी बार भी आई है यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है। तो फिर से हम यहाँ पे तेजी के साथ आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए यहाँ पे, अगर आपने सपोज यहाँ से आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं कर सकती है तो आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए मार्केट का हाई, इनकी 46,311 का स्टॉप लॉस। और यहाँ पर टारगेट यहाँ से पूरा का पूरा डाउन साइड के लिए होना चाहिए जहाँ से मार्केट ने रिकवरी करना स्टार्ट किया, यानी कि ये लेवल होना चाहिए। एक चीज़ हमने और डिस्कस की हुई थी कल के लिए कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है तो एक एम पैटर्न बन रहा है, यानी कि यहाँ से एक डबल टॉप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मार्केट ने डबल टॉप को फेवर ना करके यहाँ से एक ओपनिंग दे दी थी गैप अप ओपनिंग, यानी सॉरी यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दी थी। क्योंकि मार्केट का हमने डिस्कस भी किया होता कि यहाँ से मूवमेंट करना चाहिए पुट साइड के लिए, लेकिन इमीडिएट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, इस वजह से यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड के लिए मूवमेंट किया। फिर से देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट ने क्या किया लास्ट में, जब मोमेंटम बिल्कुल नहीं था यहाँ पे और यहाँ पे मोमेंटम नहीं था तो लास्ट में देखिए जो सपोर्ट था मेरा वो सपोर्ट फाइनली ब्रेक डाउन हुआ तेजी के मोमेंटम के साथ। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो सपोर्ट था पूरा का पूरा मार्केट के अंदर लास्ट हाफ आर के अंदर यहाँ पे जो तेजी के साथ मोमेंटम देखने को मिला बहुत अच्छा खासा था। यहाँ पे करीबन 100 से 120 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला था 200+ के ट्रेड के अंदर। तो ये आपको वेट करना पड़ता है मार्केट के अंदर कि जब तक सस्टेन ना करे। देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने, सस्टेन किया, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैप किया, लेकिन ट्रैप करने का मतलब ये नहीं था कि मार्केट के अंदर आप कॉल साइड के लिए चले जाओगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है तो आपका स्टॉप लॉस होगा मार्केट के अंदर कि ये वाला होगा कि मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी करेगा तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, हिट होगा तो आप एग्जिट करोगे, ना कि आप थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट और यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी आपको छोटी सी देखने को मिल सकती है कि मार्केट एक पैटर्न में आ रहा है यहाँ पे, तो आप वेट कर सकते थे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे अगर सपोज आपने इस लेवल के आसपास एंट्री ली थी, सपोज़ कि आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन पे आपने एंट्री ली इस लेवल के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बनेगा। क्यों यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आपकी एंट्री यहाँ पर हो रही है, मार्केट के अंदर सस्टेन कर लिया था कैंडल तो आपने एंट्री बनाई, मार्केट ने रिकवरी करा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लॉस देखने को मिला होगा लेकिन फिर से मार्केट ने देखिए अच्छी खासे यहाँ पे लेवल्स को अचीव किया। क्यों अचीव किया, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन कर लिया था उसने लेवल को। और अच्छा खासा देखिए फर्स्ट लेवल अचीव होने के बाद दूसरे लेवल के आसपास आता है लेकिन मार्केट ने इसी आसपास क्लोजिंग दे दी है। तो कल का यहाँ पे यानी कल क्लोज है यहाँ पे मार्केट, कल हॉलीडे है तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन से ऐसे रेजिस्टेंस होने वाले हैं और सपोर्ट्स होने वाले हैं वो आपको देखने को मिल सके। तो पहले यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, पहले सभी को डिलीट कर देते हैं एक बार और फिर से कुछ नए इंपॉर्टेंट लेवल्स को यहाँ पर ड्रॉ कर दे। देखिए मार्केट अभी ओवरऑल क्या कर रहा है, एक अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आ रहा था लेकिन यहाँ पे एक अपसाइड पे जाने के बाद आपको क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बाकी देखिए अभी तक अपट्रेंड में था, अपट्रेंड में जाने के बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से हमें एक ट्रेड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद सस्टेन कर लिया है। तो कल का इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ लेवल्स क्या होने वाले हैं तो कल का इंपॉर्टेंट लेवल यही होगा कि अगर यहाँ से ब्रेक करता है मार्केट सपोर्ट मेरा अगर यहाँ पे ब्रेक करता है जो कि मार्केट का आज का लो है। देखिए अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चलूँ यहाँ पे 30 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर तो आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या देख के चलना होगा, 45,890 का, 89085 का ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ये
ब्रेक कर लेता है। देखिए सस्टेन करना जरूरी है, फिर से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट ने कितनी बार कोशिश करी थी इस लेवल को ब्रेक करने का, लेकिन एक बार मोमेंटम तक अपसाइड गया था। तो अगर यहाँ पर सस्टेन कर लेता है, एक रेड कैंडल क्लोज कर लेता है, तो इजीली आपको फिर से एक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, और सेलिंग आ सकती है मार्केट के अंदर करीबन इस लेवल के आसपास तक, इस लेवल के आसपास तक मार्केट में सेलिंग आ सकती है। क्यों आ सकती है? क्योंकि यहाँ से एक चीज़ हमने आपको और डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट करता है, वहाँ से 0.5% का एरिया जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ, फिर मैं यहाँ पे बात करूँ, दोनों एक ही लेवल के आसपास होगा यहाँ पे, तो इस लेवल के आसपास मार्केट आ सकता है, क्योंकि इसका 0.5% एरिया के पास, वहाँ से एक सेलिंग या फिर वहाँ से एक बाइंग पोजीशन फिर से क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहाँ से ट्रेडर जो होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वेट करते हैं इस लेवल का। तो यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मैं बात करूँ, तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको इजिली ये वाला लेवल देखने को मिलेगा। ये मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, और मैं इंट्राडे की बात करूँ तो ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो इजिली आपको यहाँ पे मेरा दूसरा लेवल, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, ये सपोर्ट भी है, दूसरा लेवल 45,600 का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ कि कल क्या अपसाइड के लिए भी मूवमेंट हो सकता है, यानी कि जब मार्केट ओपन होगा तो अपसाइड के लिए जाने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? पहले तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसे ब्रेक करना पड़ेगा, और सस्टेन भी करना पड़ेगा एक हाई के लेवल पे। तो कल अगर 46,160 का लेवल अगर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है ग्रे में, तो ही यहाँ से एक अपसाइड के लिए मूव पॉसिबल होगा। वही मेरा इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेवल होगा 46,300 के अराउंड होगा, और मेरा दूसरा लेवल 46,400 का होगा। तो अगर मार्केट को अपसाइड के लिए जाना होगा तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेना पड़ेगा, जैसा कि मार्केट ने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। अगर सपोर्ट लेता है तो आपको यहाँ पे अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नज़र आ सकता है, उसके बाद ही मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए क्लोजिंग एक रेड में दे रखी है, करें बात रेड में क्लोजिंग दी है, और मार्केट ने ट्रेड लाइन को भी ब्रेक डाउन किया है। तो वेट करिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का, जैसे ही ब्रेकआउट होता है फिर ब्रेकडाउन होता है, अच्छा खासा एंट्री बनाकर प्रॉफिट्स बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।